देखो दोस्तों, आलू मटर की सब्ज़ी हमारी सूप भी तैयार है। आप लोग भी बनाइए, ऐसे आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए। और चलो बताते हैं कैसे बनाना है आलू मटर की चटपटी सूखी सब्ज़ी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे लगे तो ज़रूर देखना। ओके बाय। ओके बाय नहीं बोलूँगी, चलो बनाने बताती हूँ कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम आलू मटर की सूखी सब्ज़ी। जो नए तरीके से बनाओगे इसको पराठा पूरी की, सबसे पहले तेल डालेंगे। सरसों का तेल है तो इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल दिया हमने, चुटकी भर हींग डाल दिए, जीरा सिक चुका है हमारा। यह हमने प्याज टमाटर हरी मिर्ची लिए है, तो सबसे पहले सबको डाल दो। हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी अच्छी चिड़िया में भी तो दी हुई चुकी है, इसे हम इसमें डालेंगे मसाले। देखिए प्याज सिक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे सूखी मसाले। मसाले में मैंने देखो क्या क्या लिया जी, मैंने मसाले लिए हैं, नमक लिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसमें सब डालना है जी, मैंने डाल दिए सब हल्के से, और इसमें डालना है हल्का सा पानी, तो ये पक जाएंगे। ये हमने डाल दिए है प्याज भी सिक रही है, इसी में हम डाल देंगे टमाटर, जो तो मैंने टमाटर लिए उनको भी पकाएंगे इसी में, सो मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और इनको पकने देते हैं। क्योंकि कलर आ गया है प्याज अच्छे से, टमाटर भी अच्छे से गल गया है, तो अच्छे से गल जाएंगे तो पक डालेंगे इसमें आलू का। क्योंकि मसाला अच्छे से हो गया, तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो हमको टमाटर नहीं मटर, और इसको हम पका लेंगे तो इसे अच्छे से। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और पूरा ज़रूर देखना, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। और मटर को हल्का सा पकाना है, जो मटर पक गई है तेल छोड़ दिया, और हमने जो आलू लिए तो मैश आलू ले लिए मैश कर लिया, उसको भी हम डालेंगे क्योंकि ये भी अच्छे से पक जाएंगे। प्लीज आप मेरी वीडियो को अच्छे से मिला के और 5 मिनट के लिए और पका लीजिए, और हमारी सूखी सब्ज़ी तैयार है आलू मटर की चटपटी। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो 1 लाइक तो बनता है, प्लीज़ दबाना जरूर, नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा किया, वैसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो अच्छे से पक रही है, इसमें जरूर हम दही में डाल दूँ तो अच्छे से हो जाएगी। चाहे आप सोचते हो कि मैं नॉन स्टिक के बर्तन यूज नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादातर नॉन स्टिक के बर्तन पसंद नहीं है, और अगर मन बदला तो लेके जरूर आऊँगी, क्योंकि उनमें खाना बहुत जल्दी जल जाता है और इन बर्तनों में कभी खाना जलता नहीं है और स्वादिष्ट होता है। पहले के बताते हैं कि खाना हमेशा पीतल के में या लोहे की बर्तनों में बनाना चाहिए। नॉन स्टिक तो ये अभी नया नया आया है। देखो आलू मटर की हमारी सब्जी बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल सूखी हुई है, आप इसको पराठा पूरी के साथ खाइए सूखी आलू में। इसमें डाल दिया हमने धनिया, तो ऐसा प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और सर्व कर दें। देखो दोस्तों, आलू मटर की सब्ज़ी हमारी सूखी तैयार है। आप लोग भी बनाइए, ऐसे आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए। और चलो बताते हैं कैसे बनाना है आलू मटर की चटपटी सूखी सब्ज़ी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे लगे तो ज़रूर देखना। ओके बाय। ओके बाय नहीं बोलूँगी,
चलो बनाने बताती हूँ कैसे बनाते हैं।